हेलो फ्रेंड्स, तो बिहार आईटीआई के जितने भी छात्र हैं, जो लोग मोपअप काउंसलिंग के लिए अप्लाई किए थे फ्रेंड्स, उनका जो है आज एक तारीख है और उनका जो है लिस्ट जारी हो गया है। इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको बता दें कि आपको जो है पटना, आपको कहाँ जाना है, आपको पटना जाना है ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए, ठीक है। वहाँ पर आपका फ्रेंड डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा, तो आपको वहाँ कब जाना है, ठीक है, क्या क्या लेकर जाना है, कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा, कैसे चेक करना है, सारा डिटेल इस वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एक नंबर पे यहाँ पे डेट एंड टाइम फॉर ऑफलाइन मोपअप काउंसलिंग आईटीआई, ठीक है। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद ओपन करते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स नीचे यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे, चलिए यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपका एक भी डॉट ना छूटे, ठीक है। एक ही वीडियो में फ्रेंड्स हम चाहेंगे कि आपका सारा डॉट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कहने के बाद आईटीआई के पूर्व प्रकाशित विज्ञापन संख्या ये है, ठीक है। 17/9/2022 के क्रम में पात्रता प्राप्त, ठीक है, सूचित किया जाता है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा के आधार पर संपन्न द्वितीय चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग के आधार पर, ठीक है, द्वितीय चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग के आधार पर, ठीक है, मोपअप काउंसलिंग भाग लेने हेतु कार्यक्रम अनुसार शामिल किया गया, ठीक है। थोड़ी यहाँ पे मतलब बताया गया इसके बारे में, ठीक है। नीचे आते हैं आप लोग, सबसे पहले आप यहाँ से पढ़ सकते हैं साक्षात्कार काउंसलिंग कार्यक्रम। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज आईटीआई मेरिट लिस्ट फॉर ऑफलाइन मोपअप काउंसलिंग आईटीआई पटना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ पे सबका अपना अपना डिस्ट्रिक्ट का, जैसे देखिए मान लीजिए कोई छात्र है वो पटना का है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए फ्रेंड्स कि आपका इसमें आ गया है, मान लीजिए ये आपका है, ठीक है, ये आपका रोल नंबर हो गया, ठीक है। तो आपको कब जाना है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपको 7 तारीख को जाना है 10 बजे, ठीक है, 7 तारीख को 10 बजे जाना है, ठीक है। जूम करके आपको अच्छे समझा देते हैं कि आपको कब और कहाँ जाना है। देखिए मान लीजिए कोई पटना डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, मान लीजिए कोई पटना डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ से यहाँ तक, देखिए मोबाइल में आप अपना पहले वीडियो जो क्वालिटी है उसको अच्छा कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका फ़ोन तो है थोड़ा छोटा छोटा है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जिनका जिनका भी रोल नंबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इतना में जिनका जिनका भी आता है रोल नंबर, उनको कब जाना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 तारीख को जाना है। कितना बजे जाना है, 8 तारीख को 10 बजे आपको जाना है, कहाँ, पटना जाना है, ठीक है फ्रेंड्स, पटना आईएएस संघ भवन में जाना है, ठीक है। नीचे आते हैं आप लोग, नीचे आने के बाद वो तो पटना का हो गया, मान लीजिए कोई और दूसरा डिस्ट्रिक्ट हो, जैसे यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर भोजपुर का हो गया, ठीक है, भोजपुर, मान लीजिए किसी का भी, देखिए यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जिनका भी रोल नंबर, उनको कितना तारीख को जाना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनको 7 तारीख को जाना है 10 बजे। 7 तारीख को कहाँ जाना है, 7 तारीख को जाना है 10 बजे जाना, अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवा लेना है और एडमिशन आपको करवा लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आगे इसका मतलब ये नहीं है कि सबका एडमिशन हो ही जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर एडमिशन फुल हो जाता है ना तो फिर इसमें है तो फिर भी नहीं होगा आपका, ठीक है, समझिएगा इस चीज़ को। नीचे आते हैं, ऐसा चेक कैसे करना है कि मेरा इसे मिला कि नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी लिस्ट जो है लंबा है, तो सर्च यहाँ पे आता है, इसमें मान लीजिए कुछ भी सर्च कर लेते हैं, ठीक है, मुझे तो पता नहीं कि रोल नंबर क्या आपका, कुछ भी हम सर्च कर लेते हैं ऐसे ही, ठीक है, मान लीजिए 358 हम सर्च किए तो यहाँ पर किसी का होगा, देखिए तो आपका यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे मान लीजिए अपना रोल नंबर सर्च करते हैं तो यहाँ पर आ गया ना जी, ये आ गया, तो आपको कब जाना है, तो आपको 8 तारीख को जाना है, कब जाना आपको, 8 तारीख को जाना है 10 बजे जाना है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, आप अपने मोबाइल में भी इसको चेक कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है। अगर और भी कोई डॉट बच गया आपको तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9262771205 पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।